आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भोगांव में नई तहसील के नजदीक पुलिस ने क्लावरिस खराब खड़े कंटेनर को हिरासत में लिया। कंटेनर में भूसे की तरह भरी सैकड़ों की संख्या में मरी भैंसें और बछड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मरे जानवरों का पोस्टमार्टम कराकर दफन कर दिया। मरे जानवरों की कीमत लाखों की बताई गई है। पुलिस को देखकर कंटेनर का अज्ञात चालक व कंडक्टर फरार हो गए हैं। सोमवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मैनपुरी रोड पर नई तहसील के निकट एक खराब कंटेनर को हिरासत में ले लिया। कंटेनर में ताला लगा हुआ था। पुलिस ने कंटेनर पर चढ़कर देखा तो उसमें सैकड़ों की संख्या में मरे बछड़े और भैंसे भरी पाई गई। पुलिस ने जेसीबी मंगाकर कंटेनर को रुई इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक पड़े ऊसर में ले जाकर उनका पोस्टमार्टम कराकर दफन करा दिया। पुलिस ने बताया कि कंटेनर पर पाए गए नंबरों से मुरादाबाद का लगता है। उस पर लिखे मोबाइल फोन पर जब पुलिस ने जानकारी तो फोन पर सरफराज अहमद नामक व्यक्ति ने बताया कि उसने कंटेनर को काफी समय पहले बेच दिया था। पुलिस के अनुसार बरामद जानवरों की कीमत गांव वालों ने लगभग 60 लाख बताई है। बरामद जानवरों को चोरी छिपे कंटेनर में दो भागों में बांटकर नीचे भैंसों को एवं ऊपरी भाग में बछड़े भरे हुए थे। कंटेनर के खराब होने पर जानवर भीषण गर्मी से मर जाने की आशंका जताई गई है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक गगन कुमार गौड़ ने बताया कि जानवरों को दफन कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। पुलिस द्वारा मरे जानवरों से भरा पकड़ा गया ट्रक। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।